वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मेरा चैनल बर्ड डायरी। आइए हम अपने बर्ड को दाना पानी करते हैं और आपको हम दिखाते हैं कि हम दाने में क्या दे रहे हैं उनको। आइए, ये देखिए हम ये दाना उनको इस्तेमाल कर रहे हैं। मिक्स दाना होता है, इसका 6 किस्म का दाना है इसमें, और ये दाना बड़े शौक से खाते हैं। हम सबको थोड़ा थोड़ा डालते हैं क्योंकि एक एक प्यार है ना, एक एक केज में, तो फिर हम थोड़े से दाने डालते हैं। हम दाना पानी तब्दील करके आपको अपने और परिंदों का विजय करवाते हैं, वो आपने पहली बार देखे हैं हमारे पास। आज इनको एग दे रहे हैं जो कि इनकी प्रोटीन है, एक वो है हम उनसे बुला रहे हैं। आज ये देख बड़े शौक से खाते हैं। ये एग खा लें, फिर हम इनको इसके बाद हम भुट्टा देंगे जिसे छली कहते हैं। हमने छली के दाने निकाल लिए थे, अब हम इनको छली के दाने रखेंगे। छली के दाने भी ये शौक से खाते हैं। देखें इसका पेट तो पहले से भी फुल है। व्यूअर्स, आप मेरे बैग पे देख रहे हैं वही काला कबूतर जो हमने कल पकड़ा था, तो फिर आज मेरे भाई ने कहा इसे खोल के चेक करते हैं कि ये जाता है या नहीं जाता। आज हमें उसे उड़ा के भी देखेंगे कि ये बाहर निकलता है नहीं निकलता। कोशिश करेंगे, हमारे कबूतर हम वैसे उड़ाते नहीं हैं इतना, आपको चेक करवाने के लिए देखते हैं ये कबूतर जाता है नहीं जाता, क्योंकि इसने घोल मिल लाया है हमारे कबूतरों के साथ, और हम इसे दाना भी डालेंगे साफ कबूतरों को। और आइए चेक करते हैं। व्यूअर्स देखिए, काला कबूतर हमने उड़ा दिया, हमारे कबूतर भी उड़ रहे हैं। देखिए ये मतलब ऐसे समझे इसने जगह बना लिया है अपने इस घर में। देखिए ये खुद ही खुद वापस आ रहा है, मतलब इसे यहाँ पे जगह पसंद आ चुकी है। और आप हम सरप्राइज देंगे एक, और आपको हम एक नई चीज़ दिखाने वाले हैं, खोल के भी दिखाएंगे। आइए, ये हमारा तीतर का जोड़ा है, आज हम इनको खोल के आपको दिखाएंगे। ये देखिए हमारा तीतर का जोड़ा, और मज़े की बात बताएं, इनके बच्चे भी हैं, उनको भी हम खोलेंगे। ये अभी ज़रा छोटे हैं ना, डरते हैं। देखिए ये बच्चा सबसे बड़ा है, माशाल्लाह।
हम इनको भी बाहर निकाल लेंगे। ये बच्चा जरा मजबूर निकला था इसलिए सही अभी चल नहीं सकता। ये देख और बिल्कुल सारे ठीक हैं। ये एंजॉय कर रहे हैं ऐसे समझे। ये एंजॉय कर रहे हैं ऐसे समझे। और हम तीतर देखो आइए आइए आपको आइए आपको हम एक और तीतर दिखाते हैं। वो ये मेल फाइटर है बहुत। ये उस तीतर के साथ लड़ता है। आपको हम इसे सीटी मार के चेक करवाते हैं। चेक कीजिए देखिए देखें। व्यूअर्स देखें ये लड़ता भी है। देखें चेक कमेंट्स में बताइएगा ये कैसा है। ये देखें एक मेल वहां पे खुला हुआ है। ये भी उससे लड़ने जा रहा है। ये देखें ये दोनों फाइटर हैं लड़ते हैं। देखें ये देखें कैसे लड़ रहे हैं। ये बताइएगा आपको कैसे लगे हैं। देखें ये लड़ते हैं। हम इनकी एक ट्राई भी करवाते हैं लड़वा के थोड़ी सी आपके लिए हम चेक कर रहे हैं। पहली बार चेक कीजिए। कमेंट्स में बताइएगा ये आपको कैसे लगे। अब हम इसे बंद कर देते हैं। ये मेरे तंग हो रहा है। देखें ये वो भी गुस्से में आ गया। इसे हम यहाँ पे छोड़ देंगे। वो मेल बहुत एग्रेसिव हो गया है। ये देखें ये बार बार लड़ने जा रहे हैं। हम इस मेल पे कपड़ा डाल देंगे ताकि ये अग्रेसिव ना हो ज़्यादा, क्योंकि ये बार बार छलांगे मारेगा तो अपने आप को जख्मी कर देगा। हम इस मेल को वहाँ पे ले जाते हैं ये तंग ना करे। और देखिए वो देखें ब्लैक कबूतर भी आ गया नीचे, मतलब उसे ये जगह पसंद आ चुकी है। ये देख दाना भी गिरा दिया। ये देखें ये हमारा कबूतर है, बहुत पुराना कबूतर है हमारा, ब्रीडर मेल है। चेक करें। और हमारा ब्रीडर मेल ये भी है। देखें ये पकड़ने भी नहीं दे रहे। ये भी माशाल्लाह से बहुत प्यारा मेल है। वो देखें फिर से लड़ने जा रहा है। चलिए
कमेंट्स में बताइएगा कि आपको ये दो मेल कैसे लगे। ये मेरे दरअसल वाली साहब का शौक है, क्योंकि मुझे इसका इतना शौक तो नहीं है, ये आपको हम शौक करवा रहे हैं, ठीक है। ये मेरे वाली साहब को मेरे पैदा होने से पहले का भी शौक, पहले से शौक है, फिर उन्होंने ये छोटे वक्त से रखे आए हैं, ये उनका पुराना शौक है। इस फीमेल ने एगलिंग स्टार्ट कर दी है, आपको हम इसके जब ये मतलब कोर्क होती है ना मुर्गी की तरह, तो फिर इंशाल्लाह जब ये अंडों में बैठेगी आपको दिखाएंगे, क्योंकि ये बहुत कम कुर्क होती है ना, तो फिर इनका पता नहीं चलता कि अंडे पे बैठती है नहीं बैठती। अभी तो हम इसके अंडे इकट्ठा शुरू करना शुरू कर दिए हैं, क्योंकि अभी इसके दो अंडे हो चुके हैं, आपको इसके अंडे में से जो बच्चे निकलेंगे इंशाल्लाह दिखाएंगे। वैसे तो इनका सीज़न होता है अप्रैल से होता है, ये गर्मियों में शुरू कर दिए हैं। ये देखें देखें बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, इनके पर हमने काटे हुए हैं, क्योंकि इनकी ग्रोथ पर काटने से होती है ना, इनके पर काटने पड़ते हैं जब ये छोटे होते हैं। देखें ये बहुत अच्छी ग्रोथ कर रहा है माशाल्लाह, ये मेल है, इसे हम पकड़ के दिखाते हैं, बड़े चालाक हैं। ये देख माशाल्लाह बहुत हेल्दी पट्ठा है, इसने देखें अभी से अपनी नोके निकालना शुरू कर दिए हैं, इंशाल्लाह ये अगले साल इंशाल्लाह हमारे पास ब्रीड करेगा, इसे हम छोड़ देते हैं। बच्चों को भी बंद कर देते हैं, क्योंकि मुर्गियां इनको मारती हैं, तो फिर हम इनको बंद करने के बाद हम मुर्गियां खोलेंगे और इस फीमेल को भी बंद करेंगे। देखिए ये इतना जल्दी नहीं पकड़ने देते, इनको टाइम भी लगता है काफ़ी पकड़ने में, देखें ये कैसे भागते हैं। कल इंशाल्लाह हम इनका न्यू केज ले आएंगे और दो पेयर हमने नीचे ठहराने हैं, खुद मतलब अपने घर के लिए बहुत अच्छी तरह तैयार करेंगे, उनको हम इंशाल्लाह नीचे ही रखेंगे, क्योंकि ऊपर गर्मी भी होती है, दो जो अच्छे पेयर होंगे इनमें से वो हम नीचे रखने वाले। कल हम इनका न्यू केज ले आएंगे। और इनके माँ बाप को बंद कर दिया है, अब है मुर्गियों को खोलने की बारी, क्योंकि वो भी उछल कूद कर रही हैं। देखिए हम इनको भी बाहर निकाल, ये इनका पेट अभी फुल है, ये बस ऐसे बाहर टांगे सीधे करी। आपने अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सकें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।